लिए तुम्हारा तरस देखा नहीं जा रहा है। तुम इतनी मेहनत से हम दो लोगों को खींच रहे हो, समझे? तुम अकेले वहाँ खड़े थे तो मुझसे तुम्हारा तरस देखा नहीं गया, मैंने तुम्हारा रिक्शा कर लिया। हालांकि मेरा परमानेंट रिक्शा है एक, वो छोड़ के मैंने तुम्हारा रिक्शा कर लिया। अरे मोदी जी, इतनी मेहनत क्यों करते हो, इतने बुढ़ापे में क्यों करते हो? अरे अखिलेश, तुमने मेरे ऊपर तरस तो खाया, इस बेरहम दुनिया में कौन किस पर तरस खाता है, समझे? इस पेट की भूख के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है और अपने परिवार के लिए करना पड़ता है, नहीं तो इस बुढ़ापे में कौन मेहनत करता है इतनी। तुम तरस मत खाओ मुझ पे, मुझे तो जमाना हो गया ये रिक्शा खींचते खींचते, लेकिन इस बुढ़ापे में अब खींच नहीं पाता, फिर भी खींचना तो पड़ेगा ही, अगर खींचूंगा नहीं तो घर कैसे चलेगा। अरे अखिलेश, तुम तो इस शहर में नए आए हो, समझे? मैं तो जमाना हो गया मोदी जी को इतनी मेहनत करते हुए, ये बहुत मेहनत करते हैं, इन्होंने बहुत मेहनत की है अपनी जिंदगी में। एक जमाना था इनका रिक्शे की कमाई में नाम चलता था, उस टाइम मैं भी रिक्शा चलाता था, लेकिन मैं आगे बढ़ गया, ये पीछे रह गए, लेकिन इन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत की, बहुत, और आज तक कर रहे हैं। सही कह रहे हो योगी जी, मुझसे मोदी जी का तरस देख नहीं मिल रहा है, बिल्कुल भी नहीं देख मिल रहा है। मोदी जी, एक काम करता हूँ मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा लिवा देता हूँ, समझे? वो ही चलाना, ये मेहनत मत करना आप तुम। और रही रिक्शे के पैसों की बात, वो अभी मैं लिवा दूंगा, लेकिन हल्के हल्के तुम मुझे देते रहना।